हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट है ट्रांसप्लांट नो बकवास ओनली ज्ञान चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आईब्रो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। जी हाँ, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि कमेंट करते रहते थे हर वीडियो के अंदर कि आईब्रो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताएं। तो मैंने आज उन्होंने, जब मैं लाइव आया था आज 50,000 सब्सक्राइबर होने की खुशी के अंदर, तब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने का एक्सीडेंट हो गया था, तो उस चक्कर में उन्होंने आईब्रो खराब हो गई। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आप सब लोगों को, आईब्रो एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे फेस का लुक बनाने के लिए। आप सब लोगों ने देखा ही होगा, आप सबके घर की फीमेल, मेरे घर की फीमेल जाती रहती है आईब्रो बनवाने के लिए हर 15 दिन में, महीने के अंदर ब्यूटी पार्लर के अंदर। और अगर जो लड़कियों का भी अगर जो आईब्रो खराब हो जाती है और लड़कों की आईब्रो भी खराब हो जाती है, तो उनका पूरा लुक खराब हो जाता है। देखो मैं एक इमेज दिखाता हूँ आपको लड़की की, ये कैसी लग रही है बिना आईब्रो के। ये एडिट की हुई इमेज है, लेकिन फिर भी देखो बिना आईब्रो के, अगर आईब्रो ही नहीं होगी हमारे पास तो हम लोग कितने बेकार लगेंगे, एलियन से लगेंगे, एलियन जादू है ना। और देखो लड़का है ये भी देखो, इधर एक इधर से फोटो दिखाता हूँ आईब्रो वाली और इधर से आईब्रो कटी हुई। ये तो वैसे लड़का वैसे स्मार्ट लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी आईब्रो वाला मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है रादर देन दिस, ठीक है ना। इसकी आईब्रो में थोड़ी प्रॉब्लम है। अब बात कर लेते हैं आईब्रो हेयर ट्रांसप्लांट होता कैसे है। देखो दोस्तों, जो आईब्रो का हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है ना, ये बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक वे में किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखो सर के अंदर तो जो ग्राफ्ट लगाए जाते हैं वो डॉक्टर जैसे मर्जी लगा देता है, बेशक लगाने एंगल में चाहिए वो, लेकिन फिर भी वो जैसे मर्जी लगा देते हैं, तो जैसे मर्जी सेट होकर के वो काम चल जाता है मतलब, ठीक है। आईब्रो वाले केस के अंदर देखो हमारी सारी आईब्रो होती है इस शेप में लगी होती है, यूं ग्राफ्ट लगे हैं तब यूं बाल आ रहे हैं, यूं लगे हैं तब यूं आ रहे हैं। इसके इधर वाले यूं लगे हुए हैं, इस शेप में लगे हुए, इस डायरेक्शन में लगे हुए हैं तब यूं बाल आ रहे हैं, इधर वाले इस डायरेक्शन में लगे हुए हैं तो यूं बाल निकल के आ रहे हैं। ऐसे केस यहां पर देखो, यहां पर से इस डायरेक्शन में लगे ऊपर हो रहे हैं, फिर यहां से इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, फिर यहां से ये नीचे डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप सब लोग अपने भी चेक कर लेना, आप सबकी ऐसी होती है, मतलब सभी दुनिया, पूरी दुनिया में सबकी ऐसी होती है आईब्रो। इसी वजह से आईब्रो का हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। बहुत ही ज्यादा स्किल्ड मतलब नेक्स्ट लेवल के स्किल्ड डॉक्टर होते हैं, वही कर सकते हैं इसको, बाकी सब नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर जब हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो यहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया देने से क्या होता है, आंखों के ऊपर भी स्वेलिंग आ जाती है। देखो आंखों के ऊपर भी स्वेलिंग आ जाती है, और वो स्वेलिंग जो होती है वो 4-5 दिन तक रहती है, वो आंखें ऐसी रहती है हमारी 4-5 दिन तक। तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ इमेजेस, और ये सच्चाई इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सब लोगों को पता हो, अगर जो आप सब लोग अपनी आईब्रो का हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कहीं पर जा रहे हैं, तो बाद में कहीं आपको लगे कि हो जाने के बाद, क्योंकि शुरू में डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं, या फिर कोई और आपको बोलेगा, यूट्यूबर बोलेगा, कोई और बोलेगा, शुरू में वो आपको भेज देगा जाओ अरे कुछ नहीं होता, जाओ नहीं होता। तो मैं उसको आपको नेगेटिव पॉइंट भी बता रहा हूँ ताकि आप सब लोगों को पता हो, बाद में प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को, ठीक है। तो देखो स्वेलिंग आ जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर जो जैसे एनेस्थीसिया लोकल एनेस्थीसिया यहाँ पर देते हैं ना हेयर ट्रांसप्लांट के साइड, तो यहाँ पर वो सुन्न वन यहाँ पर मतलब पता नहीं लगता थोड़े टाइम तक, ये भी जगह नम हो जाती है थोड़े टाइम तक, पता ही नहीं लगता थोड़े टाइम मतलब कि 1 महीने तक पता ही नहीं लगता, टच का फील ही नहीं आता है, ऐसा ये सब प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो ये और मेन बात यह है कि स्किल्ड डॉक्टर के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि बाल एंगल में लगाए जाते हैं, आंखों का खतरा बना रहता है, ये दो मेन बात है इसकी। और ये जो बाल लिए जाते हैं यहाँ पर लगाने के लिए, वो हमारे डोनर एरिया में से लिए जाते हैं और यहाँ पर फिट किया जाता है इनको, ठीक है, डोनर एरिया में से लिए जाते हैं और यहाँ पर फिट किया जाता है। इमेज भी दिखा देता हूँ मैं, ये आंटी जी है, इनों का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, किस एंगल के अंदर लगे हुए और किस एरिया से लगे हुए, वो दोनों चीजें आप देख लो। अब इसके अंदर तीसरी प्रॉब्लम ये आती है, देखो ये बालों का जो साइज है वो छोटा रहता है, ये बाल इतने से, इससे ज्यादा बड़े नहीं होते है ना। और ये वाले बाल जो है देखो कितने, इतने लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे, पता नहीं कितने लंबे लंबे हो सकते हैं जिन्हों के लंबे होते हैं, लेकिन मिनिमम से मिनिमम इतने लंबे तो जाते ही हैं यहाँ के बाल, किसी के यहाँ इतने लंबे, सॉरी इतने लंबे बाल तो जाते ही हैं। तो ये वाले बाल जो लंबे जा रहे हैं तो यहाँ पर फिट होंगे तो ये भी लंबे होंगे, तो आंखों पर पर्दा आ जाएगा, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दे। तो इनको वैसे जो शेप लड़के हेयर ट्रांसप्लांट की क्लिनिक के अंदर जाकर करवाती है वो तो करवानी है, प्लस इसकी कटिंग भी करवानी है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप सब लोगों को ऑलरेडी बताया इस वीडियो के अंदर कि ये जो परफॉर्म किया जाता है आईब्रो का हेयर ट्रांसप्लांटेशन, ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट डॉक्टर के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि किसी एंगल में लगाने होते हैं आई का खतरा बना रहता है, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ ग्राफ्ट है वो कम लगाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 रुपए ग्राफ्ट लगा दिया, 20 रुपए ग्राफ्ट लगा दिया, 25 रुपए ग्राफ्ट लगा दिया, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। इसके अंदर कुछ मिनिमम कॉस्ट ली जाती है, 25,000, 30,000, 50,000, 1,00,000, जितना भी डॉक्टर का मन करता है, डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिक में उतना वो चार्ज करते हैं, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी,
तो दोस्तों अगर जो जिसको भी आपको लगता है उसकी आईब्रो खराब है आपकी फैमिली के अंदर या आपके दोस्त की फैमिली के अंदर, उसे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो आप ये वीडियो से शेयर कर सकते हैं तो और आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं अपनी आईब्रो का। दोस्तों अगर जो ये वीडियो पसंद आई हो, सबसे अलग लगी हो, हटके, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइबर आप सब मिलके आप सब लोगों ने इस चैनल को 50,000 पर ऑलरेडी पहुंचा दिया है, और जो 50,000 लोगों ने पहुंचाया है और जिसने बेल आइकन नहीं दबाया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज बेल आइकन भी दबा दें इस बार। चलो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।